से लगभग 80 लाख यात्रियों की सुविधा प्रबल हो जाएगी। साथ ही साथ एयरपोर्ट में जो कि असुविधा लगातार असुविधा रहती है, वो भी असुविधा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तरह से देख सकते हैं काम की गति काफ़ी तेज है, और जहां तक आपकी नज़र पड़ेगी देख सकते हैं बिल्डिंग का कार्य निर्माण काफ़ी तेज चल रहा है। साथ ही साथ आपको बताते हैं दोस्तों, मल्टी लेवल पार्किंग का काम 97% पूरा हो चुका है। G+2 भवन के टॉप फ्लोर यानी कि डिपार्चर में आएंगे, इसके बाद एरो ब्रिज से सीधे विमान में सवार हो जाएंगे। नए भवन बन जाने के बाद पटना एयरपोर्ट की क्षमता प्रतिवर्ष 80 लाख यात्रियों की हो जाएगी। हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू चैनल, आपका दोस्त आपके साथ है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पटना एयरपोर्ट पे। आपको बताते चले, कई लोग का डिमांड था कि एयरपोर्ट पे नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य तेज है। आइए उसके बारे में बाई डिटेल से बताते हैं। कई लोग का डिमांड था कि इसके इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, तो आइए इसी प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए हम लोग एक बार फिर पहुंच चुके हैं पटना के एयरपोर्ट। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इसकी काम लगभग 60% की काम हो चुकी है, और 2024 के लास्ट तक इसे पूरी तरह से बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। कि कोई इस टर्मिनल भवन के बारे में बाई डिटेल से बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, कब तक बनकर तैयार होगा, कितनी लागत है और किन किन लोगों को फ़ायदा होगा, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत। पटना एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन अपने तय लक्ष्य से 1.5 साल की देरी से मार्च 2024 में पूरा हो जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, 1216 करोड़ की लागत से बनने वाले टर्मिनल भवन का कार्य अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ था। पहले से पुराने भवन को तोड़ने और कोरोना वायरस की वजह से प्रोजेक्ट के बनने में देरी हुई है, हालांकि अभी काम की गति काफ़ी तेज है। आपको बता दें दोस्तों, अब तक ओवरऑल करीब 60% काम पूरा हो चुका है। नए भवन बन जाने के बाद पटना एयरपोर्ट की क्षमता प्रतिवर्ष 80 लाख यात्रियों की हो जाएगी। नए टर्मिनल भवन में 5 एरो ब्रिज भी बनेंगे। अभी विमानों के लिए 6 पार्किंग है। अब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इसकी तादाद बढ़कर 11 हो जाएगी। G+5 मल्टी लेवल पार्किंग का काम करीब 95% पूरा हो चुका है। इसके तीसरे तल्ले से यात्री लिंक ब्रिज होते हुए G+2 भवन के टॉप फ्लोर यानी कि डिपार्चर में आएंगे, इसके बाद एरो ब्रिज से सीधे विमान में सवार हो जाएंगे। टेक्निकल भवन का काम करीब 90% पूरा हो चुका है। इसमें ATC कम्युनिकेशन, सर्विलांस, कार्गो व फायर स्टेशन यूनिट होगी। यह G+3 होगा। कार्गो यूनिट 10 किलो मैट्रिक टन क्षमता का है। वही नए टर्मिनल भवन का काम लगभग 52% पूरा हो चुका है। 65,155 वर्ग मीटर में बनने वाला यह टर्मिनल भवन G+2 होगा। इसके बेसमेंट में बगैर सब स्टेशन AC प्लांट आदि होगी। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, मल्टी लेवल पार्किंग का काम 97% पूरा हो चुका है। पीक ओवर में हरेक फ्लोर पर 150 यात्रियों की पार्किंग की क्षमता है, यानी एक वक्त में 750 वाहनों की पार्किंग होगी। इसका कुल एरिया 28,370 वर्ग मीटर है। इस भवन के पास में ही एयरपोर्ट अधिकारियों व कर्मियों के लिए G+6 बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार हो गए। स्टाफ और अधिकारी रहने भी लगे हैं। तो दोस्तों, जहां तक आप देख सकते हैं पूरी तरह से देख सकते हैं काम की गति काफ़ी तेज है, और जहां तक आपकी नज़र पड़ेगी देख सकते हैं बिल्डिंग का कार्य निर्माण काफ़ी तेज चल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, ये बन जाने से लगभग 80 लाख यात्रियों की सुविधा प्रबल हो जाएगी। साथ ही साथ एयरपोर्ट में जो कि असुविधा लगातार असुविधा रहती है, वो भी असुविधा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो बने रहिए, इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगी, और हर अपडेट जब तक जब इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नए अपडेट आएगी, हम आपको आपके इस चैनल के माध्यम से आप तक इस अपडेट को लेकर पहुँचेंगे।